दोस्तों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास सिक्स के लिए जो होती है और 2023 के सेशन के लिए इसकी आपकी जो परीक्षा है इसकी डेट पहले ही प्री प्लान्ड है, यानी कि आपकी डेट जो है वो निश्चित है। 29 अप्रैल को इसकी परीक्षा होने वाली है और इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 फरवरी है। हो सकता है कि इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाया जाए, लेकिन आज के इस वीडियो में एक बहुत ही खास पॉइंट पर बात करने वाला हूं। एक कमेंट में मुझसे पूछा गया था कि सर एक्सप्लेन करिए कि हम किस तरीके से कैसे तैयारी करें, कितना हम स्कोर करें और कितना ऐसा स्कोर होगा जहां पर हमारा सिलेक्शन श्योर होगा, कितना ऐसा स्कोर होगा जहां पर हमारा सिलेक्शन श्योर होगा। तो इस पर हम जो है बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं हूं जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का पूर्व छात्र। आप सभी के लिए लेके आता हूं नवोदय की बात डेली डोज बॉक्स के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, आज का ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, आप मोटिवेट होंगे और किसी भी परीक्षा के लिए आप जो है तैयार हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पूरे देश में आयोजित होती है, जिसमें 649 प्लस नवोदय विद्यालय सम्मिलित होते हैं, यानी कि लगभग हर जिले में एक नवोदय विद्यालय है और हम जो है उसकी परीक्षा फेस करते हैं हर साल। हर साल उसकी परीक्षा होती है और प्रत्येक जिले में लगभग लगभग 80 सीट होती हैं, कहीं कहीं 40 भी होती हैं। ये थोड़ा सा अलग केस हो जाता है जहां पर 40 सीट पर ही चयन होता है, तो कहीं कहीं 40 होती हैं, कहीं कहीं 80 होती हैं। हम परीक्षा को किस प्रकार फेस करते हैं ये डिपेंड करता है हमारी तैयारी के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं, क्लास फिफ्थ में जैसे ही आते हैं जो नवोदय में जाना चाहता है उसका एक ही लक्ष्य हो जाता है, वो शुरुआत से ही तैयारी करता है, चाहे वो कहीं भी करे, चाहे वो ऑनलाइन करे या फिर ऑफलाइन करे। दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी आप चाहे कहीं से भी करें, लेकिन आपको अगर परीक्षा पास करनी है तो तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, पिछली साल 22 लाख से अधिक फॉर्म पड़े थे। इस साल वेबसाइट ने प्रॉपर काम नहीं किया, हो सकता है कि पिछले साल से कम आवेदन हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी भी कम करेंगे। फॉर्म चाहे कितना भी पड़े, आपको अपनी तैयारी उतनी ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम जो है आपको ये बताएंगे कि नवोदय विद्यालय का पेपर जो है वो कितने मार्क्स का आता है और उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं। अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस जो है आपको खुद ही पता होंगे अगर आपने तैयारी की होगी तो। सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं JNVST में 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 क्वेश्चन भी होंगे, नहीं, 100 क्वेश्चन नहीं होते। वहां पर आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस आते हैं मेंटल एबिलिटी के, जिसका ओवरऑल स्कोर 50 होता है, और 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के, जिसका ओवरऑल स्कोर 25 होता है, और उसके बाद 20 क्वेश्चंस आपकी लैंग्वेज के आते हैं जो आपने सिलेक्ट की होगी, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज, उसका जो है 25 होता है। यानी कि 50 25 25, तीन पोर्शन में आप जो है अपना स्कोर करते हैं। 100 नंबर का टोटल पेपर होता है और एक प्रश्न की जो वैल्यू होती है वो 1.25 मार्क्स होती है, यानी आपका एक प्रश्न वैल्यू कितना करता है, 1.25, 1.25 मार्क्स। दोस्तों, ये तो हो गई पेपर की बात, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और आपकी लैंग्वेज, इन तीनों सेक्शंस को आपको बेहतर मजबूत ढंग से करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, और ज्यादा स्कोर करने के लिए आपको अच्छी तैयारी भी करनी पड़ेगी। अच्छी तैयारी करने के लिए अच्छी किताब की जरूरत है। किताब है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की, फटाफट से जाइए, लिंक मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आराम से उसको देखिए और साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर ही मिल जाएंगे। 2014 से लेकर 2022 तक के सारे अनसॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा।
दोस्तों बेहतर तैयारी करेंगे तो आप एक बेहतर सिलेक्शन स्कोर की तरफ अग्रसर होंगे। अब दोस्तों बताऊंगा कि सिलेक्शन स्कोर आखिर कितना होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। लास्ट ईयर 2022 में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स मैंने पता किए, उससे मुझे एक अंदाजा हुआ कि रियल स्कोर कितना होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग बताते हैं मेरिट इतनी रहेगी, इतना जाएगा, ये जाएगा, लेकिन असलियत जो होती है वो कहीं और ही होती है। दोस्तों असल में स्कोर किसको मालूम नहीं होता, हम जो है नवोदय विद्यालय समिति के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो स्कोर हमें बताएगी, लेकिन ऐसा वो करती नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर मैंने एक तरीका खोजा, उस तरीके से मैंने मार्क्स पता किए, बहुत सारे बच्चों के पता किए। अभी भी एक RTI मेरा 2022 का पेंडिंग में है, जो शायद इन फॉर्म की वजह से, जो फॉर्म पढ़ रहे हैं इसकी वजह से अभी तक उसका मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया गया है। दोस्तों अगर उसका हो जाता ना तो मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखा देता कि उसके कितने मार्क्स आए। कोई बात नहीं, जब आएगा तब उसका वीडियो भी आएगा आपके लिए। तो मैंने जो RTI की उनसे मुझे पता लगा कि कितना स्कोर होना चाहिए जहां पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों एक RTI में 95 मार्क्स हैं बच्चे के, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि उस जगह जहां पर उसने परीक्षा दी होगी, उस जगह बहुत ही अच्छे बच्चे होंगे जिनका मतलब स्कोर बहुत अच्छा होगा। यानी कि 80 बच्चों का जो चयन हुआ है, उन सब बच्चों का स्कोर 95 से ऊपर होगा। कैटेगरी वाइज थोड़ा सा लो हो सकता है, वो बच्चा जनरल कैटेगरी का था, वो हो सकता है कि जनरल कैटेगरी में जितने बच्चे लिए गए हों उनका सबका स्कोर 95 प्लस रहा होगा, तब कहीं जाकर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि सिलेक्शन और तैयारी आपकी डिपेंड करती है आपके स्कोर पर, और सिलेक्शन भी आपका स्कोर पर डिपेंड करता है, आपकी कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, और उस स्थान पर भी डिपेंड करता है, उस प्लेस पर भी डिपेंड करता है जिस जगह आप परीक्षा दे रहे हैं। वहां पर फॉर्म की संख्या पर डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म भरे गए, ये डेटा भी जो है शो करती है NVS। कुछ समय के बाद आपको जो है, जैसे ये फाइनल कंप्लीट होगा, आपको हम वीडियोस के माध्यम से एक एक करके बताएंगे कि कहां पर कितना डेटा है, कितने फॉर्म हैं। तो फॉर्म की संख्या पर भी डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा और कितने बच्चे परीक्षा में बैठेंगे। इन सब फैक्टर्स को देखकर मैंने एक जो है बताया है आपको, एक चीज बताने वाला हूं कि आपको इतना तो स्कोर 100% करना पड़ेगा जहां पर आप श्योर हो जाएं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। 100% जो है आप जो है जब ही सिलेक्ट होंगे जब आपका स्कोर 95 प्लस रहेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। अगर आप इतना स्कोर कर जाते हैं 100 में से 95, लेकिन ऐसा नहीं है कि 95 के नीचे सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर 95 प्लस रहता है तो आप अपने आप को 100% सिलेक्ट समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 90 पे भी सिलेक्शन हो जाते हैं, तो ओवरऑल आपको 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 90 प्लस स्कोर करेंगे तब आप अपने आप को मान सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। कैटेगरी वाइज, आपके यहां एरिया के वाइज, कि वहां के बच्चे कैसे हैं पढ़ने में, अगर बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, परीक्षा को अच्छी तरीके से दिया है, अच्छी तरह फेस किया है, तो मेरिट हाई ही रहेगी, नीचे नहीं जाएगी। इस साल जो है फॉर्म की संख्या पर डिपेंड करेगा कि भाई कितने फॉर्म पढ़ रहे हैं, किस हिसाब से फॉर्म पढ़े हैं, वो सारा का सारा जो है आपका पूरा डिसाइडेबल होगा जब आप पेपर देके आएंगे। उसके बाद वो डेटा निकलेगा कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी, कितने बच्चों के फॉर्म पड़े थे एक सेंटर पे, तब क्लियर होगा आपका कि वहां की मेरिट कितनी जा सकती है। तो अभी के लिए मान के चलिए कि आपको 90 प्लस स्कोर करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में ही क्यों ना हो, आपको 90 प्लस स्कोर करना है। जब आपकी परीक्षा हो जाए उसके बाद फिर आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। आपका मार्क्स पता करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको बिल्कुल भी पता कर सकता हूं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। दोस्तों तो पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, 80 क्वेश्चंस होंगे और आपको हर सेक्शन को अच्छा करना है। जब आपकी मेरिट बनती है तो आपके तीनों सेक्शंस ही देखे जाते हैं। जब कभी क्लैश हो जाता है दो अभ्यर्थियों का कि भाई दोनों अभ्यर्थियों के सेम स्कोर हैं, तब आपका सिलेक्शन उस आधार पर होगा आपने किस पोर्शन में कितना स्कोर किया है। आपने मेंटल एबिलिटी में कितना किया, आपने मैथमेटिक्स में कितना किया, आपने लैंग्वेज में कितना किया, तो इतनी सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं आपके स्कोर के ऊपर। और आपका स्कोर होना चाहिए 90 प्लस और आपकी तैयारी होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा मजबूत। दोस्तों फॉर्म से लेकर एडमिशन तक हर चीज में आपके साथ रहूंगा, आप चाहे कोई भी
सवाल पूछे हमसे उसका जवाब मैं खोज के लाऊंगा आपके लिए। और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नवोदय विद्यालय समिति से जुड़ी हर अपडेट के लिए सबसे पहले डेली डोज बॉक्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।